दोस्तों आज बात करेंगे MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल अपडेट के बारे में कि MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट शॉमी के फोन्स को कब देखने को मिलेगा। और चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 अगर आपके पास कोई भी शॉमी फोन है उसको स्टेबल अपडेट कभी MIUI 10 का देखने को मिलेगा। अगले टॉपिक की बात करूं तो शॉमी ने इधर ग्लोबल बीटा रोम बहुत से शॉमी फोन्स के रिलीज किए जो कि है Redmi Note 5 Pro, Mi 6, Mi Mix 2 और Redmi Y 2 फोन्स के लिए शॉमी ने इधर ग्लोबल बीटा रोम रिलीज किया है MIUI 10 का। एंड अगर मैं इधर बात करूं शॉमी ने ग्लोबल स्टेबल अपडेट के बारे में क्या कहा है तो शॉमी ने बोला है कि वो सेप्टेम्बर में ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट करना शुरू करेगा। मतलब ग्लोबल स्टेबल अपडेट का स्केड्यूल MIUI 10 का रिलीज होने वाला है सितंबर में। एंड जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको अपने शॉमी फोन में मिलेगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। अगर मैं इधर बात करूं ग्लोबल बीटा अपडेट के बारे में तो ग्लोबल बीटा अपडेट मेरे हिसाब से अभी जैसे अर्ली जुलाई से मिड अगस्त तक शॉमी ने कहा है कि चलेगा। मेरे हिसाब से एंडिंग अगस्त तक इधर शॉमी का चलने वाला है ग्लोबल बीटा अपडेट MIUI 10 का। उसके बाद शॉमी अनाउंस करने वाला है शेड्यूल जो कि रहेगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। और मैंने एक खुद से अपना एक स्केड्यूल बनाया है जिधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन शॉमी फोन्स को इस टाइम पे मिल सकता है MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। ये स्केड्यूल जो बनाया है मैंने पूरे रिसर्च के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है कि शॉमी किस तरह से MIUI 9 और MIUI 8 उसने रोल आउट किया था। अगर मैं MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल अपडेट की बात करूं तो वो तीन बैचेस में डिवाइड होगा। जैसे कि ग्लोबल बीटा अपडेट MIUI 10 का डिवाइड हुआ था वैसे ही MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट थ्री बैचेस में रोल आउट होगा। जो फर्स्ट बैच है एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के किसी भी डे को फर्स्ट बैच के फोन्स को MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। अब इधर फर्स्ट बैच में फोन्स है Mi Mix 2, Mi 5, Redmi Y 2, Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro। इन फोन्स को MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट अक्टूबर के किसी भी दिन में मिल सकता है। अभी अगर मैं सेकंड बैच की बात करूं तो सेकंड बैच नवंबर में सेटअप है और नवंबर में हो सकता है कि इन फोन्स को ग्लोबल स्टेबल अपडेट MIUI 10 का देखने को मिले। Redmi Note 4, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max 2, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi Y1 एंड Y1 Lite, Redmi 5 एंड Redmi 5 है। ये कुछ ऐसे शॉमी फोन्स है जो कि एक्सपेक्टेड है कि इन्हें नवंबर में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर मैं थर्ड बैच की बात करूं जो कि दिसंबर में है उसमें आपको Redmi Note 3, Mi 3, Mi 4, Redmi 3S एंड 3S Prime। ये कुछ ऐसे शॉमी फोन्स है जिनको दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि इनको मिल सकता है MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो ये जो स्केड्यूल है MIUI 10 का ये एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर मेरे बेस्ड है कि किस तरह से शॉमी MIUI 9 उसने रोल आउट किया था। और कुछ इधर इन्फॉर्मेशन ग्लोबल बीटा से लेकर ये कुछ MIUI 10 का स्केड्यूल आपके स्क्रीन पे जो कि आप इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्लोबल स्टेबल अपडेट का स्केड्यूल रिलीज कर सकता है सेप्टेम्बर के मंथ में। तो अगर आप जानना चाहते हैं Redmi Note 4 के MIUI 10 के अपडेट के बारे में तो मैंने एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उस आर्टिकल को विजिट करके जान सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं Xiaomi का Redmi Note 5 उस आर्टिकल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिधर मैंने बताया कि Redmi Note 5 को MIUI 10 का अपडेट कब मिलेगा और Oreo का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको पब्लिक बीटा अपडेट के रिलेटेड MIUI 10 से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है तो उसकी आर्टिकल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।